Do subscribe Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. ये है पाव और यह है भाजी, दोनों मिला के पाव भाजी। हो गया मेरा टम्मी फुल और अभी ना अंदर फ्यूल गया ना तो बात करने की एनर्जी आ रही है। हम लोग है ना एवरी सैटरडे ऐसे डिनर में कुछ ना कुछ स्पेशल मतलब पार्टी शार्टी करते हैं हम लोग सैटरडे को। और पिछले हफ्ते लास्ट सैटरडे को मम्मी ने बनाया था पास्ता और पराठे वगैरह बने थे, तो तभी मम्मी ने प्लान किया था कि नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग है ना पाव भाजी खाएंगे, तो वही पाव भाजी। लेकिन मुझे एक्चुअली आप लोगों में से किसी ने मुझे पाव भाजी का रेसिपी के लिए बोला था लेकिन मैंने एकदम भूल गई थी। मम्मी जब बना रही थी किचन में तब मैं मेरे बिजनेस का काम कर रही थी और जब बन गया तब किचन में जाने के बाद मुझे याद आया कि अरे पाव भाजी का रेसिपी शेयर करना था। नो वरीज, नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। और हाँ, आज 14th August है, सो पाक वालों का इंडिपेंडेंस डे है, सो जितने भी पाक से मेरे यूट्यूब फैमिली के मेम्बर्स हैं आप सबको विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और कल यानी कि संडे 15th August हमारा इंडियंस का इंडिपेंडेंस डे है और ये ब्लॉग जाने वाला है 16th August यानी कि मंडे को। चीयर्स, 15th August स्टार्ट कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग वाला हेल्दी ग्रीन जूस से। विशिंग ऑल द इंडियंस अ वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। रेडी होके बैठी हूँ, जूस पी लिया, नीचे जाना है फ्लैग होस्टिंग के लिए। इंडियन फ्लैग में जो तीन कलर है, सबसे ऊपर सैफ्रन कलर, बीच में वाइट कलर विथ अशोक चक्र और सबसे नीचे है ग्रीन कलर। इन तीन रंगों का यानी कि ट्राई कलर का मतलब आप सबको आज बताती हूँ मैं। सबसे ऊपर सैफ्रन कलर है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया का स्ट्रेंथ और करेज। मिडिल वाला जो है वाइट कलर वो इंडिकेट करता है पीस और ट्रुथ, शांति और सच्चाई। और जो लास्ट वाला कलर है ग्रीन वो दिखाता है इंडिया का ऑस्पेशियसनेस और ग्रोथ और फर्टिलिटी। इन तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है सबसे नीचे वाला ग्रीन कलर। बाहर पूरा अंधेरा छाया हुआ है, बारिश होने वाली है, बारिश हो भी रही है इनफैक्ट सुबह से, लेकिन गर्मी भी बहुत लग रही है। चाय, टी टाइम, मॉर्निंग टी टाइम, मम्मी कर रही योगा, मैं पी रही हूँ चाय और साथ में टीवी पे रेसिपी चैनल देख रही हूँ। पता है रेसिपी चैनल्स के जितने भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जितने भी शेफ्स होते हैं ना, खाना बनाने के बाद या जब बन रहा है तभी ना उसे सूंघते हैं, इतनी गलत आदत है। मम्मी बोलती है कि नानी बचपन में सिखाया करती थी जब मम्मी लोग छोटे थे कि खाना कभी सूंघना नहीं चाहिए, तुम जो खाना सूंघ रहे हो वो दूसरे को खिलाओगे, उनको घिन नहीं आएगी सूंघा हुआ खाना खाने के लिए, तो गलत बात है ना। तो मैं वही देख, मम्मी बहुत गुस्सा करती है इनके ऊपर जब खाना सूंघते हैं, तो ये क्या गलत आदत है। और इनको इनके घर वालों ने सिखाया ना कि मम्मी ने सिखाया ना कि खाना कभी सूंघना नहीं चाहिए। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। और अभी यही मैंने वीडियो ये किया, शूट किया फॉर इंस्टाग्राम, फॉर टकाटक, फॉर यूट्यूब शॉर्ट, सबको मैंने सोचा कुछ अच्छा सा प्रेजेंट करते। मुझे एक्चुअली पहले से करके रखना चाहिए था लेकिन बिजी चल रहा था करके नहीं कर पाई। और अभी यहाँ पर संडे स्पेशल चिकन बन रहा है, आज मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ मम्मी को, अभी तक तो मैंने शूट किया और अभी जाऊँगी एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कुछ हो ना हो एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकती हूँ, सो आज थोड़ा सा करना पड़ेगा तुमको अकेले। आज है ना पूरा दिन बारिश हो रही है, सुबह मैं उठी नहीं तब से बारिश हो रही है और बीच में रुकी थी स्लीप सिर्फ फ्लैग होस्टिंग के टाइम पर और फिर से बारिश हो जा रही है। आप लोग की वहाँ हो रही है क्या?
जहाँ जहाँ से आप सब लोग हो, आप लोग के वहाँ बारिश हो रही है 15 अगस्त को। मैं थोड़ा सा फेस पैक लगा के बैठी हुई हूँ, इसके बाद नहाने जाऊँगी, ये ड्राई होने तक बैठना है। और अब यहाँ पर गर्मा गर्म चिकन बन के रेडी हो गया है, धुआं निकल रहा है एकदम गर्मा गर्म। शाम के 7:15 बज रहा है, चलिए मेरे साथ कहीं हम जा रहे हैं, आप लोग भी साथ में चलिए। आप लोग कई बार आए हो मेरे साथ यहाँ पर, और ऑब्वियसली जो लोग हमेशा कनेक्टेड हो, मेरी हर वीडियो हर व्लॉग देखते हो, उनको पता चल भी जाएगा कहाँ आए हैं हम लोग। आ गई कल्पना आंटी, मैडम अंदर बैठ के पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं। क्या पहनी हुई है ना? मम्मी का है? मम्मी की नाइटी पहनी हुई है। जो बाल धोया ना मैंने। हाँ तो क्या बाल धोते हैं तो मम्मी की नाइटी पहनते हैं क्या उस दिन? नहीं नहीं मैंने ऐसी पहनी है ना। अच्छा हेलो, इतने दिनों बहुत मिल रहे हैं। क्यों? मैं गाँव गई थी, मुझे आया। ये देखो यहाँ पर दीदी मेरा प्रोजेक्ट बना रही है, और सरफेस और आंटी, ये देखो कितना मेहनत कर रही है दीदी, कितना मेहनत। अब इतना अर्थ का इंटीरियर बनाना है, दीदी अभी अर्थ का सरफेस बना रही है। कोई बात नहीं, ये जो कलर मेरे हाथ पे लग गया ना, ये तेरे चेहरे पे लगा दियो आज। नहीं नहीं आजा। नहीं 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 चाहिए, मेरे को होली खेलना है तेरे साथ अभी। ऑफ सीजन होली? नहीं नहीं अभी मत खेलो होली, होली का सीजन गया। मैं तो बोल रही ऑफ सीजन होली खेलना है। नहीं नहीं मत। और यहाँ पर मेरी मम्मी फोन देख रही है, और यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ। आधा पेस आ रहा है तेरा। अब सासू माँ को लिया कि नहीं? फोटो में फुला रहा है ना फेस अभी। यहाँ पर मैं भी नाइटी में हूँ क्योंकि दीदी को दिया नहीं, क्योंकि मेरा मन किया। हाँ क्योंकि मेरा मन किया इसके लिए। और यहाँ पर अभी सिर्फ मेहनत ही चल रही है, अभी थोड़ा ब्रेक चल रहा है, इसको सूखने दो, उसके बाद फिर। फाइनली अर्थ का सरफेस और इंटीरियर मैंने बना के रेडी किया। ये देखिए, ये एक्चुअल लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है ना, ये एक्चुअल इमेज है अर्थ का सरफेस और इंटीरियर, और ऐसा ही बनाना था एग्जैक्टली। सो मैंने दिमाग लगा के बना के दिया उसको। और इस तरह का जो है ना क्राफ्टिंग एंड ऑल, ये प्रोजेक्ट का काम जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी मुझे करके देती थी, पापा करके देते थे, पहली बार मैंने खुद किया। ये देखिए कितनी खुश हो रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन ना मैंने सोचा नहीं था मैं इतना अच्छा बना डालूंगी, मेरे को टेंशन हो रहा था। टेंशन ले रही थी मैं। टेंशन नहीं ले रही भाई, मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ोगे तो टेंशन तो लेना ही है ना, कैसे बनाओ कैसे नहीं। तो अभी मैं तो भी खुश हूं, बन गया और सरफेस। एक महीना पहले लड़की ने मुझे बोला था कि दीदी स्कूल से प्रोजेक्ट मिला और सरफेस बनाना है, और एक महीने तक मैं सोचते रही कि किस चीज से बनाओ, क्योंकि ये बोला था टीचर ने कि क्ले का यूज नहीं करना है। किसने हमने किया है? चलो 9:15 बज रहा है, चलो चल टाटा कर। छोटी डाउनलोड होगी तो सब खराब के लगी। गुड नाइट, आते रहना। हाँ बिल्कुल, चलो बाय। ओके, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। अब मैं ये ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल।